ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा इधर उधर देख रहा था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जैसे ही उसे बुलबुल दाना लेकर आती हुई दिखाई देती है, कालू ने सीटी बजा दी। इसका मतलब शिकार आ गया है, ऐसा कहते हुए गोरी झाड़ियों से बाहर निकलती है। कालू कौवा और गोरी मिलकर बुलबुल को रोक लेते हैं। ये दाना हमें दे दो बुलबुल। आप कौन हैं? ये दाना तो मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। चुपचाप दाना दे दो वरना जान से मार देंगे। नाना जी, मुझे न मारना, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो फिर ये दाना दो और भाग जाओ यहाँ से बुलबुल। बुलबुल अपना दाना उन्हें दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये काम तो बहुत आसान है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल। कालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन तो हमें बहुत मार पड़ेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। लूट लिया, उस जालिमों ने मुझे लूट लिया। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, वह क्या खाएंगे? मैं उनसे बहुत विनती की मगर वो मेरी एक ना सुने। जालिमों ने छीन लिया मेरा दाना। बुलबुल बहन चुप कर जाओ और ये दाना तुम लेकर जाओ, मैं दूसरा दाना ढूंढ कर ला लूंगी अपने लिए। मगर ऐसा कब तक चलेगा? आज उन्होंने मुझे लूटा है, कल किसी और को लूटेंगे। कालू जी, कल किसे लूटना है? जो मिला उसी को लूट लेंगे, हमें तो भोजन चाहिए भोजन। दूसरे दिन वो फिर से ऐसा ही करते हैं। कालू बड़े पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सारा दिन गुजर जाता है मगर वहाँ से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है। मैं तो थक गई हूँ और कालू ने अभी तक सीटी ही नहीं बजाई। फिर गोरी थक कर कालू के पास जाती है। कालू जी, सो तो नहीं न गए? देख भी रहे हो अभी तक कोई आया कि नहीं? गोरी, लगता है आज तो भूखे ही घर जाना होगा। उन्होंने तो यह रास्ता ही छोड़ दिया है। तो हम किसी और जगह जाकर लूट पाट करेंगे, आज समय नहीं है, कल देखेंगे। वह भूखे ही घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, ऐसे खाली पेट तो मेरी रात नहीं गुजरेगी। भूखा तो मैं भी हूँ। तो फिर चलो उस चिड़िया को लूट लेते हैं। मगर गोरी, वो चिड़िया तो शोर मचा देगी। मैं चाकू साथ लेती हूँ और हम चेहरा छुपा लेंगे। ऐसे वो दोनों चिड़िया को लूटने के लिए घर से निकलते हैं। कुकू बेटा, कल आपकी नानू आ रही है, आप सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाना और नहा लेना। मामा, मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं। कुकू बेटा, ये मिठाई आपकी नानो के लिए लाकर रखी है, कल जब नानो आएगी तो नानो के साथ खा लेना मिठाई। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। बेटा, ऐसे दरवाजा नहीं खोलते, पहले पूछते हैं। दस्तक फिर से होती है। कौन है, कौन है? तोते की आवाज में बोलो। मैं हूँ मिट्ठू, मेरे पेट में बहुत दर्द है चिड़िया। कालू ऐसे तोते की आवाज में बोलता है। ये तो मिट्ठू अंकल है। फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, गोरी कौवी चिड़िया को चाकू दिखाती है। गला काट दूंगी तुम्हारा अगर शोर मचाया।
कौन है आप? आप कौन है? वो कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। निकालो जो है वरना जान से मार देंगे। ताऊ कहाँ रखा है सब? खाने वाली चीजें कहाँ छुपा कर रखी है? आंटी ये मिठाई है मगर ये तो मेरी नानों के लिए है, आप कल आना और खा लेना मिठाई। हम बख्शी दिन में नहीं रात में खाते हैं मिठाई। फिर गौरी वो मिठाई उठाकर वहाँ से चल देती है और गौरी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। हम तो लुट गए, हम लुट गए, उस जालिमों ने हमें लूट लिया। मम्मा इससे तो पहले अच्छा था कि मैं पहले ही कुछ मिठाई खा लिया होता, अब तो ना नानों को मिली ना ही मुझे। कुकु की माँ कुकु की बात सुनकर हंसने लग जाती है। हाँ बेटा मगर मुझे क्या पता था कि घर में चोर आने वाले हैं। मैं लूंगी रसगुल्ला और मैं खाऊंगा गुलाब जामुन। कौवे घर जाकर मजे मजे से मिठाई खाते हैं। कबूतर जी घर चलो, जंगल के हालात कुछ ठीक नहीं है, कल किसी ने चिड़िया को भी लूट लिया है। वो चिड़िया ही थी जो लुट गई, वरना मैं होता तो उन्हें मजा चखा देता। उनके पास एक छोटा चाकू भी था। जब मैं छोटा था तो एक चोर को पकड़ा था, अपने ग्रुप में मैं सबसे बहादुर था। फिर कबूतर और कबूतरी अपना दाना लेकर वहाँ से उड़ते हैं। कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था, गोरी हर रोज की तरह झाड़ियों में छुपी हुई थी। कोई आ रहा है, शिकार आ गया। कबूतरों को दूर से आता हुआ देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर गोरी जल्दी से झाड़ियों से निकलती है। कौवे उन कबूतरों को रोक लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जल्दी घर चले, ज्यादा बातें ना करो, अब देखो ये सब हमें जान से मार देंगे। चुपचाप दाना दो वरना जान से मार देंगे। गोरी ये अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है हम सब जानते हैं। यह कहते हुए कालू कौवा कबूतर का दाना उठा लेता है। कबूतर भी बहुत तेज था, कबूतर तो कालू के पंख पर काट लेता है और वो अपनी चोंच से पूरा जोर लगाता है। गोरी कबूतर ने मुझे काट लिया। समय जाया किए बिना लूसी कबूतरी भी गोरी को कस के पकड़ लेती है और वह भी अपने चोंच से जोर से गोरी को काट लेती है। इसकी चोंच तो बहुत तेज है, मैं मर गई, मैं मर गई। जंगल में बैठे हुए सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। सब मिलकर मारो इन कौवों को। सब मिलकर कौवों को पेड़ में बांध देते हैं। इनके चेहरे से कपड़ा तो हटाओ जरा, कौन है ये? मैं हटाता हूँ। फिर तोता उनके चेहरों से कपड़ा हटाता है। कबूतर कबूतर ये तो कालू और गोरी है। मेरी माँ की मिठाई तुमने चुराई, मारो इन्हें, इन्हें मारो, बहुत मारो। फिर सभी मिलकर उन कौवों की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। कालू कालू मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। इस तरह से उन कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इतना भी होशियारी कर ले एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।